और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का जो प्रोग्राम हम स्टार्ट कर रहे हैं वो प्रोग्राम क्या रहेगा, डू वाइल के अंदर सॉरी अपना क्या है सी लैंग्वेज में स्विच केस आज करवाते हैं। स्विच केस क्या होते हैं, स्विच केस जो होता है वो उसके अंदर एक से ज्यादा केस हम यूज कर सकते हैं। जैसे स्विच केस के अंदर क्या करेंगे, एक से ज्यादा केस हम क्या करेंगे यूज करते हैं। अब वो कैसे यूज करोगे उसकी थ्योरी आपको बताएंगे कि जो अपना स्विच केस के अंदर स्टेटमेंट में एक्सप्रेंस होते हैं उसकी उससे रिलेटेड कुछ केस होते हैं। क्या मिलेंगे, कुछ केस उससे रिलेटेड कुछ केस होते हैं जो केस उसके एक्सप्रेंस या डिकेल किए हुए वेरिएबल से मैच करते हैं। कि जो भी आप कि उसके अंदर फील करोगे, जो भी वेरिएबल फील करते हो तो उनसे क्या करेंगे वो मैच करते मिलेंगे, तब वो आउटपुट में प्रिंट होके आएंगे। जो भी वेरिएबल अगर मैच करते हुए मिलेंगे तो वो आउटपुट में क्या है प्रिंट होके आएंगे। अगर कोई भी केस उससे मैच नहीं करेगा तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट का आउटपुट में प्रिंट होके आएगा। कौन सी कमांड यूज करेंगे, डिफॉल्ट कमांड यूज करेंगे, कुछ केस डालेंगे। अगर वो केस मैच कर रहे हैं वेरिएबल से मैच कर रहे हैं तो आउटपुट प्रिंट होके आ जाएगा। अगर वो मैच नहीं कर रहे तो क्या दिखाएगा, डिफॉल्ट स्टेटमेंट अपनी प्रिंट होके आ जाएगी। आपको हर स्टेटमेंट के बाद ब्रेक लगाना पड़ता है। इसमें क्या है, हर स्टेटमेंट के बाद किसका यूज करेंगे, ब्रेक का यूज करते हैं। इसका मतलब ये हो कि उससे पहले स्टेटमेंट ही प्रिंट करेंगे। अगर आप ब्रेक नहीं लगाते तो पहला और दूसरा ये दोनों स्टेटमेंट ही प्रिंट होके आएंगे। अगर दो आपने केस यूज कर रखे हैं उनके बीच में आपने ब्रेक नहीं लगाया तो क्या दिखाएगा, अपने दोनों स्टेटमेंट को प्रिंट करके दिखा देगा। अगर उनके बीच में ब्रेक लगा देंगे तो एक का आउटपुट अपना प्रिंट होके आएगा। डिफॉल्ट केस के बाद ब्रेक नहीं लगता, डिफॉल्ट के बाद क्या है ब्रेक का यूज नहीं करेंगे। उसके बाद क्या है, जो आपने इसमें क्या दिखा रखे हैं, इसमें इसका सिंटैक्स बना के बता रखा है कि किस टाइप से हम करेंगे। इसमें जैसे स्विच हमने स्टार्ट किया उसके अंदर कुछ भी मैटर फील करेंगे, केस वन लिया हमने, जैसे केस वन के अंदर जो भी स्टेटमेंट फील करनी है वो स्टेटमेंट हम फील करेंगे। फिर उसके बाद किसका यूज करेंगे, ब्रेक का यूज करते हैं। देखो केस के बाद किसका यूज करना बताया आपको, ब्रेक का यूज करेंगे। फिर केस टू हमने स्टार्ट किया, इसके अंदर फिर मैटर फील किया, जो भी केस टू के अंदर आप फील करना चाहते हो फिर ब्रेक यूज करेंगे। फिर उसके बाद अगर ये दोनों कंडीशन अपनी हमने फील किया है तो दोनों का आउटपुट अपना प्रिंट होके आ जाएगा। नहीं तो अगर इससे एक्स्ट्रा आपने केस थ्री लगा दिया तो कौन सी वैल्यू दिखाएगा, अपनी डिफॉल्ट वैल्यू को क्या करेगा, शो करेगा, डिफॉल्ट स्टेटमेंट को शो करता है। अब इसके अकॉर्डिंग आपका क्या है प्रोग्राम स्टार्ट करवाते हैं, स्विच केस स्टार्ट करवाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, सी लैंग्वेज को हमने क्या किया ओपन करते हैं, सी लैंग्वेज क्या की हमने ओपन की। अब इसमें क्या है, फाइल न्यू पेज हमने यहाँ पे स्टार्ट किया, न्यू पेज लेते हैं। F5 किस लिए होता है, फुल स्क्रीन के लिए। अब जो अपना स्विच केस हम स्टार्ट कर रहे हैं, स्विच केस इन कैलकुलेटर, प्रोग्राम का नेम क्या रहेगा, स्विच केस के अंदर कैलकुलेटर का प्रोग्राम रहेगा अपना, एंटर। अब यहाँ पे हैश का यूज किया हमने, हैश किस लिए यूज करते हैं, प्रोग्राम की प्रोसेसिंग के लिए, इंक्लूड क्या होगा, शामिल होना। अब इसके अंदर stdio क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच मीन्स हेडर फाइल, डॉट एच क्या किया हमने यूज किया, हेडर फाइल यूज की। उसके बाद इंक्लूड शामिल होना, कौन यो हेडर फाइल क्या करते हैं हम स्टार्ट करते हैं, एंटर। वॉइड क्या होगा, नल। मेन क्या होता है अपना, फंक्शन स्टार्ट किया हमने। अब कर्ली ब्रैकेट को क्या करेंगे ओपन। फिर आप इसके अंदर क्या है, यहाँ पे हमने इंटीजर फिल किया, इंटीजर वेरिएबल हमने क्या है, इंटीजर क्या होता है अपना डाटा टाइप होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, INT की फुल फॉर्म इंटीजर होती है, ये डाटा टाइप होता है। इसके अंदर किसका यूज किया जाता है, न्यूमेरिकल वैल्यू का। आप जैसे ही इसके अंदर वेरिएबल हमने फिल किए हैं, यहाँ पे वेरिएबल क्या फिल किया, ABC, ये वेरिएबल हमने क्या किया इसके अंदर फिल किए, सेमीकोलन यूज किया। फिर हमने क्या डाला, CLR SCR क्लियर स्क्रीन के लिए इसका यूज करते हैं, एंटर। अब यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा, वो किस चीज के लिए, CH चॉइस के लिए, CH हमने चॉइस के लिए यहाँ पे प्रिंट यानी वेरिएबल फील किया। फिर हमने प्रिंटफ का यूज करेंगे, प्रिंटफ का यूज किस लिए करते हैं, किसी भी लाइन को डिस्प्ले पे शो करने के लिए। अब यहाँ पे क्या लाइन लिख दी हमने, एंटर द चॉइस, चॉइस को क्या किया हमने प्रिंटफ किया। उसके बाद क्या अपना स्कैनअप, स्कैनअप भी किसको करेंगे, %D इन्वर्टेड कॉमा एंड %CH को हमने क्या किया, प्रिंटअप और स्कैनअप किया।
अब यहाँ पे प्रिंट ऑफ और स्कैन ऑफ किसको करवाएंगे, ए और बी वेरिएबल को हम करवाते हैं। एंटर द ए एंड बी, दोनों वेरिएबल यहाँ पे क्या किए हमने, फील किए। उसके बाद स्कैन ऑफ, स्कैन ऑफ का यूज किस लिए करेंगे, परसेंट डी दो बार हमने स्कैन ऑफ में परसेंट डी यूज किया, एक ए के लिए और दूसरा बी के लिए, दोनों को प्रिंट ऑफ और स्कैन ऑफ किया। अब इसके अंदर क्या फील करेंगे हम, स्विच, स्विच के अंदर हमने क्या फील किया, चॉइस फील की। स्विच के अंदर क्या फील किया हमने, चॉइस। अब यहाँ पे केस, केस हम स्टार्ट करते हैं। केस वन हमने क्या किया, स्टार्ट किया। केस वन के अंदर, केस वन डबल डॉट का यूज होएगा, सेमीकोलन का यूज नहीं होएगा, इसमें किसका यूज होएगा, डबल डॉट। कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। अब केस वन के अंदर हमने क्या फील किया, सी इक्वल ए प्लस बी, ठीक है, जो अपना रिजल्ट है वो क्या हो जाए, पहली जो केस अपना उसमें दोनों का टोटल किसमें आ जाए, केस वन के अंदर। प्रिंट अप, प्रिंट अप में क्या फील किया यहाँ पे, परसेंट डी इन्वर्टेड कोमा, परसेंट डी से पहले क्या लिखा है अपने आंसर के आगे, सम इक्वल, परसेंट डी इन्वर्टेड कोमा बंद सिंगल कोमा। अब यहाँ पे किसको प्रिंट किया हमने, सी को प्रिंट अप किया। फिर किसका यूज बताया था अपने को, केस के बाद, केस के बाद किसका यूज करेंगे, ब्रेक का यूज करते हैं। अब कर्ली ब्रैकेट क्या किया हमने, बंद। फिर हमने क्या स्टार्ट किया, केस टू स्टार्ट किया हमने। केस टू के अंदर क्या लग जाए अपना, यहाँ पे सी इक्वल ए माइनस बी, दोनों को क्या है, दोनों वेरिएबल जो भी अपने ए और बी उनका माइनस करके किसमें दिखा दे, सी के अंदर दिखा दे। अब यहाँ पे क्या दिखाए, प्रिंट अप, प्रिंट अप किसको करेंगे, ये यहाँ पे क्या डाल दिया, एस यू बी सब इक्वल परसेंट डी इन्वर्टेड कोमा सिंगल कोमा सी को हमने क्या किया, प्रिंट अप। अब यहाँ पे किसका यूज करेंगे, ब्रेक का फिर यूज किया, कर्ली ब्रैकेट बंद, एंटर केस थ्री। अब देखो केस वन के अंदर क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा, केस टू के अंदर क्या हो जाए, माइनस हो जाए। अब केस थ्री के अंदर यहाँ पे क्या है, सी इक्वल ए मल्टीप्लाई बी, दोनों को मल्टीप्लाई करके सी के अंदर इसका रिजल्ट आ जाए। प्रिंट अप, प्रिंट अप किसको करवाएंगे, अब सी को प्रिंट अप किया। परसेंट डी, परसेंट डी लगाने से पहले किसका यूज करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई के लिए क्या लिख दिया हमने, एम यू एल इक्वल परसेंट डी इन्वर्टेड कोमा सिंगल कोमा सी को हमने प्रिंट अप किया, कि जो केस टू है, केस वन के अंदर प्लस हो जाए, केस टू के अंदर माइनस हो जाए और थ्री के अंदर मल्टीप्लाई हो जाए। ब्रेक, ब्रेक यहाँ पे हमने क्या लिया, कि जो भी हमारी स्टेटमेंट कंप्लीट होए उसके बाद किसका यूज करेंगे, ब्रेक का यूज करते हैं। कर्ली ब्रैकेट बंद। अब हमने यहाँ पे क्या लगाया, केस फोर, केस फोर डबल डॉट एंटर कर्ली ब्रैकेट ओपन। अब इसमें क्या है, सी इक्वल ए डिवाइड बी, ए को बी से क्या करे, डिवाइड करे। अब यहाँ पे क्या डाला हमने, प्रिंट अप, प्रिंट अप के अंदर यहाँ पे यूज किया हमने डी आई वी डिवाइड हो जाए परसेंट डी इन्वर्टेड कोमा सिंगल कोमा सी को हमने क्या किया, प्रिंट अप किया। अब यहाँ पे ब्रेक यूज किया हमने, ब्रेक के बाद एंटर कर्ली ब्रैकेट बंद, एंटर करेंगे डिफॉल्ट, डिफॉल्ट मीन्स नहीं तो फिर क्या दिखा दे अपना, डिफॉल्ट स्विच के बाद क्या है, अगर जितनी भी स्टेटमेंट आपने फील करनी थी वो स्टेटमेंट आपने वेरिएबल के अकॉर्डिंग फील की, उसके बाद किसका यूज किया हमने, डिफॉल्ट का यूज किया, नहीं तो फिर कौन सी कमांड दिखा दे यहाँ पे, क्या प्रिंट होके आ जाए, ये वाला आउटपुट प्रिंट होके आ जाएगा। इसमें क्या डाल दिया हमने, नो वैल्यू। यहाँ पे अगर आपने केस फाइव डाल दिया तो क्या दिखा देगा, नो वैल्यू को क्या करेगा, शो कर देता है। डबल कर्ली ब्रैकेट बंद करेंगे। डबल किस लिए किया हमने, यहाँ पे डबल का जो यूज किया है वो पहली डिफॉल्ट के लिए और दूसरी क्या है, स्विच जो हमने स्टार्ट किया था उसके लिए, यहाँ पे दोनों कर्ली ब्रैकेट बंद की। एंटर किया, फिर किसका यूज किया हमने, गेट सी एच मीन्स गेट करेक्टर का यूज किया। कर्ली ब्रैकेट बंद। एफ टू से फाइल को क्या करेंगे, सेव। यहाँ पे एस डब्ल्यू आई के नाम से हमने फाइल को क्या किया, सेव। फाइल को सेव करने के बाद अब आपको एक बार दोबारा से रिपीट करवा दे इस चीज को, कि जो अपना वर्ड क्या हो गया, नल मेन क्या, फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए। कर्ली ब्रैकेट ओपन की, आई एन टी इंटीजर में हमने वेरिएबल क्या लिए, ए बी सी, सी एच हमने किस लिए लिया, चॉइस के लिए। अब यहाँ पे चॉइस को प्रिंट अप और स्कैन अप करवाएंगे। चॉइस को करवाने के बाद जो वेरिएबल ए भी ले रखे हैं उनको भी प्रिंट अप और स्कैन अप। फिर हमने क्या फील किया यहाँ पे, स्विच के अंदर यहाँ पे क्या फील किया, सी एच, चॉइस हमने फील की। अब कर्ली ब्रैकेट ओपन, फिर हमने केस यहाँ पे लगाया, केस वन के अंदर C
सी इक्वल ए प्लस बी, दोनों का टोटल किस में आ जाए, सी के अंदर, केस वन में आ जाए ब्रेक, केस टू के अंदर क्या आ जाए माइनस, और केस थ्री के अंदर अपना क्या आ जाए यहाँ पे मल्टीप्लाई, केस फोर के अंदर क्या आ जाए अपना डिवाइड, और डिफॉल्ट नहीं तो फिर क्या दिखा दे नॉट वैल्यू, नो वैल्यू का क्या दिखा दे यहाँ पे आंसर प्रिंट होके आ जाए। एफ टू से फाइल को सेव करेंगे, ऑल्ट एफ नाइन प्रोग्राम को क्या करने के लिए, कंपाइल करने के लिए यानी एरर को चेक करने के लिए, एंटर किया, फिर किसका यूज करेंगे कंट्रोल एफ नाइन, कंट्रोल एफ नाइन किस लिए यूज करते हैं हम प्रोग्राम को रन करने के लिए। अब ये क्या मांगना है, एंटर द चॉइस, चॉइस में हमने क्या डाल दिया वन डाल दिया, एंटर किया, अब यहाँ पे क्या ए की नंबर बी का नंबर, एंटर करोगे तो क्या दिखा देगा इसका टोटल यहाँ पे शो किया, एंटर, फिर अपना क्या है यहाँ पे कंट्रोल एफ नाइन, अब देखो केस टू डाला, टू के अंदर क्या दिखा देगा यहाँ पे माइनस, अब दोनों को क्या कर दिया इसे माइनस किया। इस टाइप से जो भी आप यहाँ पे केस फील करोगे उसी केस के अकॉर्डिंग अपने आउटपुट को क्या करेगा ये शो कर देता है। अब जैसे कंट्रोल एफ नाइन फोर केस यूज किया हमने, फोर चॉइस डाली हमने यहाँ पे, एंटर, अब इसके अंदर क्या फिल किया ए की वैल्यू बी की वैल्यू, अब एंटर करोगे तो ये क्या दिखा देगा अपना डिवाइड करके शो करेगा, डिवाइड में क्या दिखा दिया 44, एंटर करोगे उसके बाद डिफॉल्ट, अगर ये स्टेटमेंट डालते हो तो सही है, नहीं तो डिफॉल्ट में क्या है अपने नो आंसर का क्या है जो भी आपने आउटपुट डाल रखा है वो प्रिंट करके दिखा देगा। यहाँ पे चॉइस सिक्स डाल दी, एंटर करोगे इसके अंदर वैल्यू फिल करोगे, एंटर क्या दिखाया नो वैल्यू, क्योंकि हमने सिक्स कोई भी केस यहाँ पे यूज नहीं कर रखा, हमने जो कमांड यूज कर रखी है स्टेटमेंट दे रखी है वो कितनी स्टेटमेंट हमने यहाँ पे फिल कर रखी है फोर। अब अपना क्या जैसे थ्री वाला, थ्री में क्या था आपने केस थ्री डाल दिया, थ्री के अंदर क्या है मल्टीप्लाई करेगा ये, एंटर करोगे तो क्या कर देगा मल्टीप्लाई करके शो करेगा। ये था अपना केस स्विच केस के अंदर केस का प्रोग्राम। अब आपको क्या है यहाँ पे जितने भी केस, अगर यहाँ पे इनके बीच में किसका यूज नहीं करते हैं, ब्रेक का यूज नहीं किया हमने, ब्रेक का यूज नहीं किया, एफ टू से सेव, कंट्रोल एफ नाइन किया आपने, वन डाल दिया, अब इसमें 67 जो भी आपने मैटर फिल किया तो देखो सम और सब दोनों स्टेटमेंट एक साथ दिखा दी। अगर आप ब्रेक का यूज करते हो तो एक एक करके अपनी स्टेटमेंट को शो करता है, इसलिए केस जो भी हमारा केस के बाद किसका यूज करते हैं ब्रेक का यूज करना जरूरी है। अब यहाँ पे एफ टू से फाइल को सेव किया। ये था अपना स्विच केस का प्रोग्राम। स्विच केस के अंदर किस चीज का प्रोग्राम था अपना कैलकुलेटर। अब जो प्रोग्राम करवाया उसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।